But sometimes I might be a bit selfish. When you're way too humble, might be overzealous, getting you in trouble. Cause I'm a little bit unsteady, even a little bit mad. Might be a disaster, or just the best you've ever had. वीडियो बनाने की शुरुआत तो मैंने बिल्कुल बढ़िया ढंग से करी जैसे हमेशा करती हूँ, लेकिन बीच में ही मेरा जो वीडियो था वो गड़बड़ हुआ, चेंज हुआ उसका टॉपिक। उसका क्या रीज़न है वही आज के वीडियो में देखिए। एक्चुअली जैसे शुरुआत हुई थी और जहाँ तक मैं पहुँची वो सब एक फ्लो में ही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें जितनी भी मैं रिकॉर्ड कर पाई वो आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनके बारे में मतलब हमें पता तो रहता है लेकिन वो कभी हमने टेस्ट करके नहीं देखे होते हैं कि वो कैसे निकलेंगे। तो आज मैं आपको वो सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके टेस्ट करके बताऊंगी और देखते हैं उनका क्या रिजल्ट निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिना के साथ इंडिगो मिलाकर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल डाई तैयार होता है जिसे मैं बहुत यूज करती हूँ, और मैं कोई भी केमिकल डाई अपने बालों पर नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए आपको इंडिगो का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी दो बार एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। मैं जो ये मेहंदी यूज करती हूँ ये या तो एक खुली मेहंदी मिलती है मेरे घर के पास ही जो कि बहुत अच्छी होती है, या फिर हबीब की मेहंदी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। हबीब, शहनाज, कोई भी प्योर मेहंदी हमें लेनी है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो चाहिए कत्था पाउडर। एक्चुअली मैं अपनी मम्मी को देखती थी, जब मम्मी के ग्रे हेयर हुए थे तब उन्होंने कत्था पाउडर ही लगाना स्टार्ट किया था। ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है और जहाँ पान वगैरह मिलते हैं वहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं। और इससे मम्मी के जो बाल हुआ करते थे वो बिल्कुल ब्राउन हो जाते थे, और वैसे भी उनके बाल ब्राउन थे उस टाइम, अब तो वो कलर करती हैं। इससे एक बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आ जाता है कत्था पाउडर से, और आपको एक ही एप्लीकेशन में मेहंदी के साथ इसको मिलाकर लगाने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई भी एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको पाउडर फॉर्म में लेना है तो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, या फिर आप इसे जो है मैंने आपको बताया किसी पान की शॉप से भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैं इसमें डालूंगी वो है बीट रूट, यानी कि चुकंदर जो आती है। मैं इससे पहले मैंने कई बार चुकंदर का रस मेहंदी में मिलाकर ही लगाया है। अगर अलग से लगाओ तो थोड़ा सा मतलब बरगंडी कलर आता है, लेकिन मुझे वो बरगंडी कलर नहीं मिला। मैंने काफी कोशिश करी लेकिन मैंने फिर भी इसमें बीटरूट का जो पाउडर है ये मंगवा लिया, क्योंकि जो मतलब फ्रेश जो होती है वो कभी कभी नहीं मिल पाती है। नहीं तो अगर आपके पास ये नहीं है, पाउडर नहीं है, तो जो फ्रेश चुकंदर मिलती है आप उसका रस निकालकर उसको यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही सिंपल है। लोहे की कढ़ाई में दो नींबू लिए और उनका जूस मैंने निकाल लिया। अगर नींबू नहीं है तो आप दही मिला सकते हैं, लेकिन दही से मेहंदी का कलर बहुत अच्छा नहीं आता, ये मैंने पर्सनली देखा है। और इसमें मैंने चार बड़े चम्मच मेहंदी मिला ली, और फिर इसमें डालेंगे कत्था चुकंदर का जो पाउडर है, बीटरूट पाउडर है, वो दो बड़े चम्मच इसमें डाल लिया। और उसके बाद जो कत्था पाउडर होता है ना वो मैंने इसमें करीब एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच मिलाया है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इसमें मिलाई लौंग। लौंग से थोड़ी सी गर्मी रहती है और गर्माहट की वजह से हर चीज अपना कलर बहुत अच्छा छोड़ती है। और इसके बाद जो आपका चाय या कॉफी का जो पानी होता है वो आप इसमें मिला सकते हैं, आपकी इच्छा है। और ये गरम गरम ही मिलाइएगा, बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा, और चाय या कॉफी कोई भी आप ले सकते हैं। एक्चुअली कलर उन सारी चीजों से आता है जो कहीं पे लगने के बाद अपना कलर छोड़ देते हैं, जैसे चाय का दाग लग जाता है, कत्थे का दाग लग जाता है, पान का दाग, या फिर मेहंदी का दाग लग जाता है। ये सारी चीजें वो हैं जिनके कलर काफी देर तक रहते हैं हमारे बालों में, इसीलिए इन सबका कॉम्बिनेशन बना के मैंने ओवरनाइट के लिए मैंने इसे रख दिया है, और बहुत अच्छी तरीके से पैक करके रखेंगे ताकि इसमें गर्माहट बनी रहे। और अब इसका रिजल्ट तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। और ये आता है एक इंडियन हीलिंग क्ले, जिसको कि मैं चार पांच बार यूज़ कर चुकी हूँ, और मतलब मैंने टेस्ट इसे कई बार किया है, और इसके मुझे क्या रिजल्ट मिले हैं बताती हूँ। ये प्रोडक्ट खुद ही क्लेम करते हैं कि ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल फेशियल है और ये डीप पोर क्लींजिंग करता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब भी मैंने इसे लगाया है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो अगर आपकी स्किन पर थोड़ा सा भी मतलब ऑयल रहता है या छोटे छोटे एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो ये काफ़ी
अच्छा है, लेकिन एक सिंपल प्रोडक्ट है, मतलब ये जो है ना एक तरीके से जो कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले आता है ये उस तरीके का है। इसमें एप्पल साइडर विनेगर मैंने 2 चम्मच मिला दिया और उसके बाद इसका पेस्ट बना के मैं लगाऊंगी। पानी मैंने इसमें नहीं मिलाया है और बराबर के अमाउंट में क्ले और जो ये है पाउ, मतलब ये एप्पल साइडर विनेगर है ना, ये दोनों मैंने मिलाए हैं। इसको लगाने के बाद क्या होता है, स्किन एकदम से ना खिंचने लगती है। अब जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो केवल मैं 5 मिनट्स इसको रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। ये शायद मेरा इसका 4th एप्लीकेशन है, 4थी बार मैं लगा रही हूँ। और जैसे कभी कभी स्किन पे ब्लैक हेड्स के अलावा वाइट हेड्स भी हो जाते हैं, वो भी इससे चले जाते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि मोस्ट पावरफुल फेशियल है, एक्चुअली फेशियल से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा आपकी स्किन को क्लीन करता है, मतलब डीप पोर क्लीन करता है। बहुत ज़्यादा फेशियल जैसा लुक नहीं आता है। 5 मिनट तक वेट किया, बहुत खिंचने लगी थी स्किन, उसके बाद में से वॉश करूँगी, ज़्यादा देर इसको नहीं रखना है। हाँ, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, फेशियल वाली चीज़ नहीं आती है। जब आप इसको क्लीन कर लेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि स्किन काफ़ी ड्राई हो गई है, लेकिन फिर भी इससे मतलब काफ़ी अच्छी क्लीनिंग है। तो अगर आप क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करिए। और ये काफ़ी बड़ा पैक आता है तो ये सालों साल चल जाता है। तो ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से जो ये क्लेम करता है कि मोस्ट पावरफुल फेशियल, वो तो मैं अपनी तरफ से, प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ से तो नहीं ये फेशियल है, बट हाँ एक बहुत ही अच्छा ये क्लीनिंग ज़रूर हमारी स्किन की डीप पोर क्लीनिंग करता है। मैं जो अपने वीडियोस बनाती हूँ ना, वो इन 2 कैमरा से बनाती हूँ। और मेरा ये कैमरा तो छोटा वाला तो पहले से ही थोड़ा सा ख़राब था, और मतलब इसमें बहुत अच्छी वॉइस नहीं आती है, फोकस चला जाता है, तो इसका यूज़ मैं नहीं कर रही थी। कभी कभी बहुत इमरजेंसी होती थी तो इसका यूज़ मैं करती थी। और मैं बनाती हूँ इस कैमरा से। ये कैमरा ना एक बार मैं कर्टेन स्टिच कर रही थी तब मेरे हाथ से गिर गया था, स्टैंड पे से गिर गया था, तब से ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। और अब तो इसमें अभी बनाते बनाते जब मैं वो क्ले का वो मैं वॉश करके आई हूँ फेस, उसके बाद तो ये बिल्कुल ब्लैक आ रहा है इसे, मतलब पिक्चर आ तो रही है लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने अलग अलग लेंसेज भी लगा के देख लिए हैं लेकिन ये बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है। और इस वक्त जो बज रहे हैं ना वो करीब 3 बज रहे हैं और मेरा पूरा काम रुक गया है। मेरा जो पूरा काम होता है वो पूरा जो आप तक वीडियो पहुंचता है वो इन्हीं कैमरास की मदद से पहुंचता है। मोबाइल भी, हालांकि मोबाइल से भी वीडियो बन जाती हैं लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। अब भी जो वीडियो बन रही है ये मोबाइल से मैं बना रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी तरीके से वीडियो बना के पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की आदत हो जाती है उन्हीं से वीडियो जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब ये मैंने वाइड एंगल वाला भी लगा रखा है लेकिन ये भी सही नहीं दे रहा है, छोटा भी लगाया बट कुछ भी काम नहीं चल रहा है। एक मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि कल वीडियो चला जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कल वीडियो जाएगा। कल तो मैं जाऊंगी और इन्हें चेंज करके कैसे भी करके सही करके आऊंगी। अब मैंने झटपट ही शाम को डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है और अपना कैमरा को या तो मैं सही करवाऊंगी या मुझे न्यू कैमरा लेना है। लेकिन इतना आपके पास एकदम से आप अरेंज नहीं कर पाते हो कैश, मतलब आपको सब चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं और ऑलरेडी करीब 3 या 4 बज रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया। पहले तो मैंने सोचा शाम को ही चलूं, फिर मैंने डिसाइड किया नहीं कल जाऊंगी। अब मॉर्निंग में उठ के बनाना था खाना जल्दी जल्दी और देखिए मेरी मेहंदी भीगी की भीगी रह गई, मुझे रात को लगानी थी ये। तो मैंने क्या किया, सोचा कि बैंगन का भरता बनाऊं, तो बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाया क्योंकि बहुत जल्दी बनाना था। तो कभी आपको भी बहुत जल्दी कुछ बनाना है ना, खासकर बैंगन का भरता, तो ये बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाता है। इसके लिए इस तरह से राउंड शेप में काट कर बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। और इसे फ्राई तब तक करना है जब तक ये थोड़े से ब्राउन ना हो जाएं। अब मैं जल्दी इसलिए भी भागी एकदम से कैमरा लेने के लिए क्योंकि इसके बगैर तो मेरा काम ही नहीं चल सकता है आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने का। मुझे एकदम से ऐसा रहता है ना जैसे इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स आएंगे, एक तरीके से एक कम्युनिकेशन आप लोगों से रहता है और अब मुझे उसकी बिल्कुल आदत पड़ चुकी है। और ये देखिए बैंगन अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं ब्राउन कलर के। अब वही हल्दी, वो जीरा और हींग और सारे मसाले, अदरक वगैरह जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं बिल्कुल उसी तरीके से भरता बना लेंगे, जैसे हरी मिर्च काट के प्याज को फ्राई करके और उसके बाद इसमें टमाटर और सारे मसाले डालेंगे और उसी तरह से ये तैयार हो जाएगा। और इसका छिलका भी बहुत आराम से उतर जाता है और ये बिल्कुल अलग टेस्ट का बैंगन का भरता बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। बैंगन के भरते में लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और लगभग सारे जैसे हरी मिर्च मसाले सब पड़ते हैं,
तो इस तरह से ये तैयार हो गया मेरा बैंगन का भरता, और इसके साथ मुझे कुछ और चीज़ भी बनानी थी, सुबह जल्दी थी और मैं शानू के लिए भी लेकर जाना चाहती थी कि उसे घर का खाना मिल जाए। तो मैंने फटाफट ये तैयार किया और साथ में तैयार करी मैंने इसके मिस्सी रोटी। तो मिस्सी रोटी तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जो बेसन और आटे को मिलाकर और उसमें आप डाल सकते हैं प्याज, हरी मिर्च, खड़ा सूखा धनिया और अजवाइन, नमक, कसूरी मेथी और थोड़ा सा आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं मसल के, रोटी बनाकर बहुत अच्छी इसकी रोटी बनती हैं। और ये ना जो मेरे बच्चे हैं वो गुड़ के साथ और मट्ठे के साथ, छाछ के साथ खाते हैं, और मक्खन मेरे पास घर का रहता है उससे मैं इनको चिपड़ देती हूँ। तो ये करण को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने खाना बना दिया, रख भी दिया और लेके भी गई और हम निकल पड़े। एक अचानक से बिल्कुल प्रोग्राम था ये, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मतलब मैं बहुत सोच के मैंने ये डिसीज़न ले लिया था कि अगर मैं नहीं लेकर आऊँगी तो आगे मेरे वीडियोस नहीं बन पाएंगे, और जो कि अब मेरा ये काम है और मैं इसको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मेरा पुराना वाला कैमरा तो बहुत अच्छा ठीक नहीं हो पाया, तो नया कैमरा ही परचेस करना पड़ा। वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट में कौन सा लिया है। और हम लोगों ने बैठ के बहुत देर तक बातें करी, शानू को देखे ना, तो उसने हेयर कट लिया है, बिल्कुल बिल्कुल लापरवाह सा लग रहा था, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं दोनों की कम्युनिकेशन सुनती रही, टेस्ट करती रही कैमरा को, और फिर फाइनली हम कैमरा लेके जो है घर आ गए। और जब मैं शानू को छोड़ रही थी तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई। वैसे तो करण जो है वीडियो बनाता रहता, कभी मैं उसे कहती हूँ उसके हाथ में कैमरा दे देती हूँ, लेकिन जब मैं शानू से बात कर रही थी तो उसने अलग से वीडियो बनाया, मैंने मना भी नहीं किया। एक्चुअली जब हम बच्चों से मिलते हैं बहुत दिनों बाद तो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, और शानू मेरे पास मतलब कभी भी घर से बाहर नहीं निकला है, पहली बार निकला है, तो मैं उसको जब देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बुरा लगता है मतलब, लेकिन हाँ ठीक है, इमोशनल होना भी अपनी जगह सही है। और इसके बाद हम लौट आए अपने घर। घर आने के बाद रात को मैंने ये हेयर मास्क अपना लगाया जो कि भिगो रखा था, और इसको भीगते हुए एक दिन से ऊपर हो गया था, थोड़ा सा ड्राई हो गया था, इसलिए मैंने इसमें कुछ गर्म पानी मिलाया, स्मूथ पेस्ट तैयार किया और अप्लाई किया। ग्लव्स पहन के बालों की पूरी लटों में जड़ से लेकर नीचे तक अच्छी तरीके से इसको लगाना है, और उसके बाद इसको करीब 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। मैं हमेशा जो हिना लगाती हूँ ओवरनाइट लगाने की कोशिश करती हूँ, उससे कलर अच्छा आता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जो चीजें स्टेन्स छोड़ती हैं वही बालों में काफी दिनों तक रहती हैं, तो एक बार इसको जरूर अप्लाई करिए, और उसके बाद मैं इसे सिंपल पानी से वॉश करूंगी, शैम्पू मुझे नहीं करना है अभी। अब देखिए मैंने इसे एक दिन से ज़्यादा मेहंदी भीगी रही थी, लेकिन फिर भी इसका बहुत अच्छा कलर आया है, जो इसमें कत्था पाउडर होता है उसकी वजह से बिल्कुल जो मेहंदी का कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमने जो है सिर्फ मेहंदी लगा रखी है, क्योंकि मेहंदी का कलर, हिना का कलर थोड़ा सा रेड होता है, लाल सा हो जाता है। तो जब कभी भी आपको कलर करना हो कत्था पाउडर जरूर डालिएगा। और जहाँ तक बीटरूट की बात है, उसका कलर मुझे लगा तो थोड़ा सा, लेकिन मेरे जो बाल हैं वो बिल्कुल ब्लैक हैं, इसलिए वो कलर मुझे नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, ये कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो हमेशा सब कंबाइन होके एक जो है रिजल्ट देती हैं। तो अभी देखिए मेरे अभी भी जो ये वीडियो बन रहा है ये सब मोबाइल से बन रहे हैं, हालांकि मैं कैमरा लेकर आई हूँ, कौन सा है क्या है, लेकिन हाँ एक लंबा टाइम 3 दिन ऐसे हुए जिसमें मुझे काफ़ी मतलब मैं थोड़ी सी परेशान भी रही, लेकिन फाइनली चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मैं कैमरा वगैरह सब आपके साथ शेयर करती हूँ, शेयर कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने जो है ये वीडियो जिस तरह से भी बनाया आप लोगों तक पहुँचाया कि डिले ना हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरीके से एक प्रॉपर वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।
अच्छे हो गए मेरे बाल। और पता है मेहंदी में, अभी मेहंदी के बाद बाल ड्राई हो जाते हैं, ऑयलिंग करनी पड़ती है बालों की अच्छी सी। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि मैंने जो ये मेहंदी लगाई है ना, इसके बाद बाल ना ड्राई नहीं हुए हैं। अब मैं इसमें रात में ऑयल लगा के कल फिर शैम्पू करूंगी।